हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर कुछ नया सीखते हैं। आज हम सीखेंगे फ्रेंड्स इनडायरेक्ट फंक्शन। देखते हैं ये क्या होता है इनडायरेक्ट फंक्शन। देखो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे B2 सेल में हमने 50 लिखा हुआ है। ठीक, ये सेल का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है B2। ये सेल का नाम है B3। ठीक है, उसमें हमने 100 लिखा हुआ है। अभी मुझे यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन चाहिए कि समझो कि मैं यहाँ पे लिखूँ B2 तो सामने आंसर, मैं ये कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आंसर B2 में जो वैल्यू है वो आ जाना चाहिए। अगर मैं लिखूँ B3 तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, जो B3 में वैल्यू है, यानी कि 100 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका फंक्शन अभी इक्वल टू B2 लिखा हुआ है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हो, तो वो हम करेंगे इनडायरेक्ट से। देखिए, इक्वल टू इनडायरेक्ट ऑफ दिस, यानी कि फ्रेंड्स देखो, अभी मैं अगर यहाँ पे B4 लिखूंगा तो B4 में जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू ये यहाँ पे लिख देगा। देखा फ्रेंड्स, यानी कि एक्चुअली में इनडायरेक्ट फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि फॉर्मूला में जो वैल्यू है, समझो कि मुझे अदरवाइज ऐसा लिखना पड़ेगा B4 है ना, तो वो 150 आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला में जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसको इज अ इनपुट अगर कहीं से करना है, यानी कि कहीं पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और हमको उसको फॉर्मूला में यूज करना है, तो उसके लिए इनडायरेक्ट फंक्शन है। समझो कि मुझे क्या चाहिए, अगेन मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मुझे ऐसा चाहिए कि यहाँ पे जो सेल लिखा हो वो सेल के मल्टीप्लाई बाय 2 होके मुझे यहाँ पे आंसर मिले, यानी इक्वल टू B3 इंटू 2 में लिखूंगा, तो B3 में अगर 100 है तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे अगर B2 लिखूँ तो B2 में जो वैल्यू है उसके मल्टीप्लाई बाय 2 होना चाहिए, है ना। तो अभी मैं क्या करूँगा, देखिए, मैं यहाँ पे B3 की जगह लिखूँगा इनडायरेक्ट ऑफ दिस सेल। यानी अभी क्या हो गया, मैं अगर यहाँ पे B4 लिखूंगा तो वो B4 के सेल मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेगा, मैं यहाँ पे B2 लिखूंगा तो B2 के मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेगा। ठीक है, और डिटेल में समझते हैं ये फंक्शन और इस फंक्शन के आगे क्या क्या यूज है वो अभी सीखते हैं। अभी हम ये एक शीट यूज करते हैं इनडायरेक्ट फंक्शन समझने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे डेटा दिया हुआ है, प्लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं, उनकी मैचेस, उनके रन्स और उनके विकेट्स लिखे हुए हैं। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे थर्ड लास्ट प्लेयर का नाम चाहिए। ठीक है, यानी कि मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ फंक्शन चाहिए, यहाँ से थर्ड लास्ट प्लेयर का नाम लिखते, यहाँ पे जैसे लिखा है पंड्या, लेकिन मैं अगर चहल को, यानी कि लास्ट वाली लाइन को अगर डिलीट करता हूँ तो फिर थर्ड लास्ट प्लेयर जाड़े जाए तो वो यहाँ पे दिखना चाहिए, राइट, जो अभी दिख रहा है। ये हमने कैसे किया, लेट अस सी। मैंने अंडू कर दिया, ठीक है, और बाद में मुझे उसके रन्स भी देखने हैं। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया फ्रेंड्स, काउंट फंक्शन यूज किया। यहां पे मैंने किया इक्वल टू काउंट और यहां पे मैंने ये सिलेक्ट किया, तो यहां से फ्रेंड्स मुझे पता चलेगा कि मैं यहां पे ऊपर से सेल सिलेक्ट कर लेता हूं। एक मिनट, काउंट फंक्शन B1 to B6। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे टोटल
कितने सेल्स नॉन ब्लैंक है वो मुझे पता चलेगा। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि 16 सेल्स में डेटा दिया हुआ है, यानी ये 1500 हो सकते हैं और वट एवर वैल्यू, जहाँ तक भी ये नीचे लिस्ट जाए वो हम फंक्शन अकॉर्डिंगली यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे कौन से सेल में से वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये जो 16 नंबर है उससे समझो दो कम में, या जितने भी डेटा हो उससे दो कम में वैल्यू चाहिए। ओके, क्योंकि ये लास्ट हो गया और ये वाला सेकंड लास्ट हो गया और ये वाला हो गया थर्ड लास्ट, यानी जहां पे लास्ट वैल्यू है उससे दो नंबर कम में से मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहां पे, किया दिस सेल इक्वल टू दिस माइनस टू, यानी अभी मुझे पता चल गया कि मुझे ये जो नाम चाहिए वो कहां से चाहिए, यानी कि कौन से नंबर की रो में से चाहिए। मुझे 14 नंबर की रो में से नाम चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ओके। और इसका कॉलम कौन सा है, तो बी, यानी मुझे बी 14 में से चाहिए, है ना। तो ये 14 आ गया, तो यहां पे मैं अगर डायरेक्ट इक्वल टू बी 14 लिख दूंगा, जैसे कि इक्वल टू बी 14 मैंने लिख दिया तो ये बराबर दिखा रहा है, लेकिन जब ये मैं डिलीट करूंगा तो वो चेंज नहीं होगा, वो पंड्या का पंड्या दिखाएगा, जाड़ेजा पे नहीं जाएगा। तो मैं अंडू करता हूं और यहां पे अभी मैं फंक्शन लिखता हूं इक्वल टू, ध्यान से देखना, इनडायरेक्ट ऑफ बी, है ना, लेकिन डायरेक्ट बी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो मैं इसे लिखूंगा डबल इन्वर्टेड कोमा में, एंड नंबर कौन सा, ये वाला। ठीक है, अभी वो पंड्या दिखा रहा है, और अभी जब हम इसको डिलीट करेंगे ना फ्रेंड्स चहल को, देखो जाडेजा का दिखा रहा है वैल्यू, अगर मैं शमी को भी डिलीट करूंगा तो धोनी का वैल्यू दिखाएगा, दिखा रहा है, वंडरफुल। तो इट्स वर्किंग, और यहां पे मैंने उसके रन्स में भी सेम फंक्शन दे दिया, लेकिन अभी सिर्फ मैंने क्या किया फ्रेंड्स, बी की जगह डी लिख दिया, यानी कि ये कॉलम में से, रन में से। ठीक है, तो ये हुआ इनडायरेक्ट फंक्शन का एक यूज। अभी मैं दूसरा यूज आपको दिखाता हूं, समझो कि ऐसे ही अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की हमारे पास लिस्ट है। ठीक है, और मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए कि मैं अगर यहां पे पर्टिकुलर ये सेल में जो सीट का नाम, जो कंट्री का नाम लिखूं, वो कंट्री के, वो शीट के डिफॉल्ट सेल में से मुझे वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, यानी कि अभी मैं अगर अफ्रीका की जगह समझो लिखता हूं अमेरिका, है ना, तो अमेरिका के D4 सेल में से, यानी कि ये आ गए हम अमेरिका शीट पे, और अमेरिका का D4 सेल, यानी D और ये 4 नंबर का सेल, यानी कि 3197 वैल्यू मुझे दिखाना है। ठीक है, लेट अस सी, तो फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ, देखो ऐसा कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। ओके, तो मैंने यहां पे क्या किया फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, मैं यहां पे लिखता हूं इक्वल टू, आपके सामने वापस लिख के दिखाता हूं, इक्वल टू दिस एंड सरप्राइज मार्क, बट दैट हैज टू बी enclosed by inverted commas। ओके, तो इतना हो गया, और उसके बाद क्या चाहिए, सेल का नाम, तो एंड, यानी हमको जो फॉर्मूला चाहिए वो बन गया, लेकिन वो एज ए टेक्स्ट दिखा रहा है, अभी मुझे
उसको एज अ फॉर्मूला रीड करके एक्चुअली में उसकी वैल्यू पुल अप करनी है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, सिंपल इक्वल टू इनडायरेक्ट ऑफ दिस सेल, सिंपल आ गया 3197, राइट। आप इतना पोर्शन वापस देख सकते हैं अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो, और अगर मुझे ये स्टेप नहीं करना है, मुझे डायरेक्ट करना है तो भी मैं लिख सकता हूं इक्वल टू इनडायरेक्ट ऑफ दिस सेल एंड सॉरी दिस साइन एंड दिस सेल। तो यू कैन फॉर्मेट दिस, ओके से मैच फॉर्मेट, ओके। तो दोनों तरह से आप इनडायरेक्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दो स्टेप में किया, अगर आपको इजी लगता है तो ऐसे कर सकते हो, और अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप डायरेक्ट ऐसे भी, ठीक है। चलो इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं फ्रेंड। अभी समझो कि मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए कि जिसमें पहले पांच प्लेयर्स का टोटल रन्स का, ठीक है। लेकिन वो तो हम इजीली कर सकते हैं, इक्वल टू सम ऑफ करके ये ड्रैग करके कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैं पांच प्लेयर, मैं चाहता हूं कि ये वाले पर्टिकुलर सेल में जो अभी हमने ग्रीन किया, ये वाले पर्टिकुलर सेल में मैं अगर चार लिखूं तो पहले चार का टोटल हो, मैं यहाँ पे दस लिखूं तो दस प्लेयर का टोटल, समझ गए। यानी कि यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, मैं यहाँ पे जो नंबर लिखूं उतने प्लेयर्स का टोटल होना चाहिए। समझो कि मैंने यहाँ पे दस लिखा, ठीक है। तो अभी मैं फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, देखो अगर ये नंबर वेरिएबल नहीं है तो आप सिंपल ऐसा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, राइट। सम ऑफ दिस सेल टू दिस सेल, लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ डी टू तो चाहिए, देखिए डी टू से तो सम चाहिए, लेकिन कहां तक चाहिए, जो नंबर यहां तक लिखा हुआ वहां तक, है ना। तो अगर ये 10 लिखा है तो मुझे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 11 नंबर की रो तक मुझे टोटल चाहिए, यानी कि प्लस 1 तक मुझे टोटल चाहिए। तो देखो मैं फंक्शन कैसे बनाऊंगा फ्रेंड्स, ऐसा देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, इक्वल टू सम ऑफ डी टू तो वही आएगा, लेकिन डी सिक्स की जगह भी डी इलेवन होना चाहिए। तो डी लिखा है और इलेवन नहीं लिखा है मैंने, मैंने लिखा है एंड ये वाला सेल प्लस वन, यानी अगर मैं इसमें पांच लिखूंगा तो इसका आंसर आएगा 6, यहां पे 10 लिखूंगा तो इसका आंसर आएगा 11। तो अकॉर्डिंगली ये देखिए मैंने ये फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो दिस विल गिव यू टोटल ऑफ रन्स, बट कितने प्लेयर्स का, जितना आप यहां पे, यहां पे फ्रेंड्स जहां पे भी डार्क ब्लू कलर मैंने यूज किया हुआ है वहां पे इनडायरेक्ट फंक्शन यूज किया हुआ है। ये फाइल आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो। इनफैक्ट मेरे जितने भी एक्सेल के ट्यूटोरियल्स हैं ऑलमोस्ट सभी में हमने एक्सेल फाइल साथ में रखा हुआ है। दिस विल हेल्प यू इन लर्निंग फ्रेंड्स, ओके। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। This is how you learn structural engineering. And this is how we learn structural engineering at EZ. Here, practical applications are given equal value as the number crunching is. The experts who train you here are not only from academic background and won't just be reading out books to you,
but they have vast experience through diversified projects and will provide you exposure of actual structure design procedures from the live projects they are working on. EASY has participants from all over India and abroad, which includes not only students, but also university professors, government executives, and even MNC employees. EASY has conducted training programs for leading multinational companies. And universities as well, and holds the highest number of job placements compared to most major institutes you know of. And of course, EASY trainers are more than qualified to do so, making learning at EASY easier. Did you know, EASY has courses that no other institutes in India have. Courses like StatPro with advanced structure concepts, advanced steel structures, advanced concrete structures, and more. Lastly, EASY is also the highest rated institute on social media. So, what are you waiting for? Contact us and be ready to change the way you learn.